अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम लोग। स्वागत है हमारे इस चैनल में ज़ुबैर फ्रेग्रेंसेस तर्स में। आज मैं और एक धमाकेदार इत्र का रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत सारे इत्र हमें मार्केट में मिलते हैं, लेकिन जो है लास्टिंग के जो टेस्ट में जो है सब फेलियर हो जाते हैं। इस इत्र का नाम है मेरे भाई, हाँ, वाइट टूथ इत्र है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। वही टूथ इत्र है ज़ुबैर फ्रेग्रेंसेस एंड अतर्स का ओरिजिनल इत्र है। ये इत्र जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमारे पास अवेलेबल है। इसकी बात की जाए तो एक बार इसकी तस्वीर देख लें तो इसका जो है कलर इस तरह का होता है। तो ओरिजिनल इत्र है हमारे पास। इस इत्र जो है 3 ml में भी अवेलेबल है, 6 ml में भी अवेलेबल है, और जो है आपको 1 तोला में भी अवेलेबल है, और इससे भी ज़्यादा 25 ml जो है, इससे भी ज़्यादा भी आप लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे पास अवेलेबल है। जो पहली इस इत्र की बात की जाए तो हर एक इत्र में मेजर से पॉइंट होता है लास्टिंग की, कि लास्टिंग कितने दिन देती है। तो मेरे भाई, मैंने इस इत्र को अप्लाई किया था, एक दिन अप्लाई करने के बाद सारा दिन मेरे कपड़ों पर वो लास्ट कर रहा था, और दूसरे दिन जो है मैंने उस कपड़े को रिमूव किया हूँ, 3-4 दिन बाद फिर उस कपड़े को वॉश करके फिर से मैं पहना था, तो वही जो ये वाइट ऊद की इत्र की जो खुशबू है उस कपड़े में आने लगी। यानी बहुत हाई प्रोजेक्शन वाला इत्र है, और लास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लास्टिंग है इसकी। बहुत दिन तक आपके कपड़ों पर ये लास्ट करेगा, और जो है मैं देता हूँ मिनिमम आपके कपड़ों पर, जैसे भी आपका स्किन का तासीर हो, जैसा ही पर्सनालिटी हो, जैसे भी आप वार्म क्लाइमेट में, चाहे 40 डिग्री अबो के क्लाइमेट में भी आप घूमते हो, तो भी मिनिमम आपके कपड़ों पर इस इत्र जो है 2 दिन तक लास्ट करेगा। और ओवरऑल से इसका रिव्यू मैं खुद अपने हिसाब से मैं टेस्ट करके रिव्यू दे रहा हूँ। इस इत्र जो है 2 से लेकर 5 दिन और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आम तौर पर मैं फिर से 3-4 दिन बाद, यानी 5 दिन के बाद फिर से मैं उस कपड़ों को वॉश करके पहना, तो भी ये इत्र जो है कपड़ों में लास्ट कर रहा था, उसकी खुशबू आ रही थी। उसके बाद जो है और कितना दिन देता, फिर से मैं 1 दिन तक उस कपड़ों को पहना हुआ था, फिर से रिमूव किया हूँ, तो उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आने की चांसेस है इसकी खुशबू। तो मेरे भाई, इसकी लास्टिंग तो इतनी हेवी है। और वाइट टूथ जो है आप जहाँ भी खरीदते होंगे, बाहर मार्केट में अवेलेबल होगा, लेकिन इस ज़ुबैर फ्रेग्रेंसेस का वाइट टूथ की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लास्टिंग है। आप जो है इसे कहीं से भी बाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस सर्विस ऑल इंडिया में अवेलेबल है। 3 ml क्यों ना हो, 3 ml जो है, 3 ml है, 6 ml है, कितना भी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे दिखाया होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि इसमें अकैड्स क्या है, इसमें क्या क्या, किससे इत्र बनता है, इसकी खुशबू में क्या क्या खुशबुएँ मिलते हैं, इसकी खुशबू क्या है, इसमें टॉप नोट्स क्या है, मिडिल नोट्स क्या है, बेस नोट्स क्या है। अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो मैं इसे टेस्ट करता हूँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। माशाल्लाह मेरे भाई, इस इत्र में जो है मेजर से आपको, हाँ, जो एकॉर्ड्स है, मुझे महसूस होता है कि इसमें जो वार्म स्पाइसी का नोट ज़्यादा मिलता है, और इसके साथ साथ ऊद का नोट ज़्यादा मिलता है, वूडी नोट ज़्यादा मिलता है, और इसमें कहीं ना कहीं मस्की भी आप जो है इसमें महसूस कर सकते हैं, और पाउडरी नोट आप महसूस कर सकते हैं। मेरे भाई, इसके साथ साथ आपको एक लास्ट में एक हल्का सा एनिमेटिक नोट भी आप जो है इससे महसूस करते हैं। सिंपल सा इसमें जो नोट्स की बात की जाए तो मेजर से मेरे भाई टॉप नोट में आप जो है टॉप नोट में सिंपल से अब अंबर का इस्तेमाल हुआ है। अंबर का जो खुशबू हो जो है
वो आपको आती है। और मिडिल नोट की बात की जाए तो मिडिल नोट में जो लगाने के थोड़ी देर बाद, एक आधा घंटे के बाद जो है आपको सैंडलवुड की एक जो खुशबू है और मस्क की खुशबू आपको महसूस आपको आने लगती है, वो जो खुशबू है वो आप महसूस करते हैं मिडिल नोट की बात की जाए तो। और बेस नोट की बात की जाए तो ऊद जो है आपको मेजर से मिलेगा, और पूरा ड्राई डाउन होने के बाद, सूखने के बाद आपको ऊद की जो खुशबू है वो आना शुरू होता है मेरे भाई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर हमारे इस इत्र को एक बार परचेज करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।